जड़ों से जुड़ो और रोगों की भी जड़ तक पहुंचो और उनको जड़ से उखाड़ो। आज पीड़ांतक तेल भी हम बताने वाले हैं। पीड़ांतक क्वाथ ले लें, इसको पीने से, इसको इससे स्टीम लेने से, इसको तेल में पका करके लगाने से और इसको उबाल करके बस्ती देते हैं, एनेमा देते हैं उससे। इसमें वो सारी औषधियां जो इधर ये सारी रखी हुई है। अब इसमें क्या करना, इसके अंदर ये जड़ी बूटियां डाल दी। अब तेल के अंदर ये जड़ी बूटियां जब ऐसे पकाते हैं तो जो है ये इनका सब रस इन तेल में आ जाता है। तेल में तुमने पूड़ियां तो खूब पकाई होंगी, जब पूड़ियां तलती हैं तब ऐसे आवाज आती, झनझनाहट होती है, बुरी सुगंध उठती है। अब इसमें क्या किया हमने, तेल डाल दिया पूरा। अब इस तेल के अंदर जो है पानी भी डाल दिया, और बराबर का पानी या दुगुना पानी डाल दे। वैसे तो हम तो पानी में भिगो के रखते हैं सारी जड़ी बूटियां, और ये सारी जड़ी बूटियां भिगो करके और फिर इसको तेल में पकाते हैं। फिर तेल में पका करके धीरे 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 इसमें पूरा दिन भर लग जाता है, अभी तो प्रतीकात्मक हम बता रहे हैं। ऐसे इसके अंदर थोड़ा लहसुन डाल दिया, लहसुन और जो है ये अमरबेल, लहसुन ये अमरबेल, और इसको डाल करके अरंड के पत्ते, अरंड का के बीज, ये सब डाल करके कूट करके और वो डाल देते हैं। और उसे फिर धीरे धीरे इसको पका देते हैं। अजवाइन, सौंठ, हल्दी, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सारी डाल करके और ऐसे पकाते हैं। तड़का सा लग गया है पूरा, सुगंध आ रही है माता। ये तेल देखो इधर जो पक रहा है ना, ये खदक रहा है पूरा। ऐसे खदका लगाना है इसको सुबह से शाम तक। इसमें चार गुना पानी डाल देते हैं तो धीरे 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 खदक खदक के खदक खदक के सारी जड़ी बूटियां फिर ये ऐसे तैयार हो जाएगा। जैसे ये देखो ये जो हम दिखा रहे हैं ये ऐसे तैयार तेल तैयार हो जाएगा ऐसे। और ये तेल जब ऐसे तैयार हो जाएगा तो तेरे को कब से कमर में दर्द था? यहाँ था, और अब ठीक हो गया। अब ये तेल ऐसे फिर लगा लिया करें, ऊपर से लगाएं, अंदर से प्राणायाम करें, आसन करें, खान पान ठीक रखें और खुश रहें तो सारे रोग दूर हो जाते हैं।